warm welcome to all in this UPRTOU online classes. In the last lecture, I have told you that in the next lecture, we are going to discuss a very important tool of statistics that is known as correlation. In MCOM 107, Block 1, in the previous lecture, in the previous video, I have told you the two methods, Karl Pearson correlation and Spearman-Rank correlation. In this lecture, I am going to discuss about a tool of correlation that is concurrent deviation. Now, whenever we know how to calculate the mean, हमको mean निकालना आता है, हमको standard deviation निकालना आता है, और हमारे पास ऐसी values हैं जो कि quantified data में, मतलब numbers में, तो हम Karl Pearson पे जाते हैं। हमारे पास ऐसी value है जो quantified नहीं है, qualified है, मतलब कि fragrance, beauty, ranking, तो हम rank correlation पे जाते हैं। जिसके लिए हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन लगाते हैं बट इफ एनीवन हैजंट हैव एनी आइडिया अबाउट द मीन मीडियन मोड एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन किसी इंसान को स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मीडियन मोड नहीं निकालना आता है या किसी को रैंकिंग में असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं आता है या कोई ऐसी वैल्यू जिसमें कि हमको केवल डायरेक्शनल देखना है किसी ऐसी ट्रेंड्स को हमको केवल फाइंड करना है शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को फाइंड करना है तब हम कॉन्करेंट डेविएशन में जाते हैं इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ गेटिंग द कोरिलेशन कोरिलेशन आपको मालूम है कॉजल रिलेशनशिप में होता है कॉजल रिलेशनशिप मीन्स किसी का इम्पैक्ट किसी पर कैसे होता है यहाँ पर दो सीरीज होती हैं या दो से ज़्यादा सीरीज होती हैं और इन दोनों सीरीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसी को जब हम पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सीरीज एक्स ऑन सीरीज वाई वी यूज टू स्टडी इन द कोरिलेशन इफ द इंपैक्ट ऑफ सीरीज एक्स ऑन सीरीज वाई इज पॉजिटिव मीन्स अगर सीरीज एक्स का सीरीज वाई पर ऐसा संबंध है कि उसका इंपैक्ट पॉजिटिवली है तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है दैट बोथ आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड व्हाइल इफ द सीरीज एक्स हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सीरीज वाई वी से दैट बोथ सीरीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि द कोरिलेशन कैन नॉट बी मोर देन वन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन तो जीरो जब हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि कोरिलेटेड नहीं है इट इज नॉट कोरिलेटेड एट ऑल अब हम आते हैं इस मेथड पे इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इस मेथड में आपको मीन नहीं निकालना है इस मेथड में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है यू डोंट रिक्वायर टू टेक आउट द मीन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन द ओनली थिंग विच अ पर्सन नोज इज द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पहले वाली वैल्यू से अगर दूसरी वैल्यू ज़्यादा है या कम है इतना अगर आपको आता है तो आप इस मेथड से प्रॉपरली वैल्यू निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेविएशन अ वेरी सिंपल एंड कॉजल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स is the application of concurrent deviation. Finding correlation. When we are not serious about the magnitude of two variables. मतलब हम यहाँ पर यह नहीं देख रहे कि उसकी magnitude क्या है कितने से वो related है What is the value of the correlation? In Karl Pearson, we used to see that if it is प्लस 0.91 तो हम कहते थे इट इज हाईली कोरिलेटेड पॉजिटिव कोरिलेटेड इफ इट इज माइनस 0.91 तो हम लोग कहते थे इट इज हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड
इफ इट इज वन, वी यूज टू से इट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड. इफ इट इज माइनस वन, वी यूज टू से इट इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड. ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है. नाउ हियर वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट सीरियस अबाउट द वैल्यू. हियर वी आर गोइंग टू सी दैट वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और कोरिलेशन इज नेगेटिव. यहाँ पे केवल हम ये देखते हैं कि ये सीरीज जो है वो दूसरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है. वेयर वी नीड टू हैव आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन. यहाँ पे ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. मतलब कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, वेदर ये ऊपर की तरफ जा रही है या ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ये नीचे की तरफ जा रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड. अगर ये समझ में आ जाएगा तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. नाउ थर्ड वन, वेयर ट्रेंड्स आर नॉट नोटिस्ड. मीन्स ट्रेंड्स आपको नोटिस नहीं करना है कि एक के बाद दूसरी वैल्यू क्या कर रही है, तीसरी वैल्यू क्या कर रही है. यहाँ पे केवल और केवल आपको ये देखना है शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में आपको क्या चीज़ें फाइंड हो रही है, ये आगे जाके बढ़ेगी या ये आगे जाके घटेगी. एंड द लास्ट वन, इट गिव्स एन एक्यूरेट रिजल्ट. क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए होता है तो पॉजिटिवली जो होता है इसका जो रिजल्ट होता है इट इज़ वेरी एक्यूरेट. द रिजल्ट ऑफ दिस मेथड इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट. मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इस मेथड में. Now the formula to calculate congruent deviation is this. Here you see RC is equal to plus minus under root plus minus 2C minus M upon M. Here C stands for the number of positive means plus sign in the series. C यहां पर जितने भी आपके पॉजिटिव साइंस होंगे, अभी मैं आगे आपके बताता हूं, वो आप यहां पे ऐड कर लेंगे और यहां पे पुट करेंगे. M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेविएशन इन सीरीज. एक सीरीज में कितने नंबर्स आप ले रहे हैं उसी को M से डिनोट करते हैं. अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि यहां पर भी प्लस माइनस दे रखा है और यहां पर भी प्लस माइनस दे रखा है. वाई? Because sometimes the value of this might be negative, और negative value का आप under root नहीं निकाल सकते हैं. Therefore plus 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 होता है, plus minus minus हो जाता है. तो same way इस value को आपको positive करने के लिए you required a sign. तो statistician ने एक sign बाहर रख दिया कि अगर in case this value is going to be negative, आप calculate करने के बाद इस value को negative पाते हैं तो आप इधर नेगेटिव नेगेटिव करके उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं, तब उसका अंडर रूट निकल आएगा. बस इसी के लिए है, बाकी नहीं. लेकिन जैसे ही ये वैल्यू आप अंडर रूट निकाल लेते हैं और यहां पे नेगेटिव साइन है तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू प्लेस अ नेगेटिव साइन ओवर देयर. अगर वहां पे माइनस है, यहां पे कुछ वैल्यू आ रही है माइनस 3.7 या माइनस 44, तो आप माइनस को हटा के अंडर रूट निकाल लेंगे. लेकिन जब उसके बाद आगे उसको प्रोसेस करेंगे, सिंस इट इज अ माइनस साइन ओवर देयर, यू हैव टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर. क्लियर? सो अनदर पॉइंट, यहां पर हमने बताया कि ये प्लस साइंस होते हैं तो दो सीरीज होती है, तो दो सीरीज में आपको मालूम है या तो प्लस साइन होगा या तो नेगेटिव साइन होगा. तो साइन को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियस है, व्हेन यू हैव गॉट प्लस पहली सीरीज में और प्लस दूसरी सीरीज में, मतलब प्लस साइन पहले सीरीज में भी है, प्लस साइन दूसरी सीरीज में भी है, तो यू आर गोइंग टू राइट प्लस ओवर हियर. नाउ माइनस, पहले सीरीज में माइनस है, दूसरी सीरीज में माइनस है, सेम साइन है, यू आर गोइंग टू पुट प्लस ओवर हियर. क्लियर? नाउ पहली सीरीज में प्लस है, दूसरी सीरीज में माइनस है, means you are going to place a negative sign over here, minus. इस सीरीज में माइनस है, इस सीरीज में प्लस है, you are going to write minus over here. अब क्या होता है, कभी कभी दोनों वैल्यू बराबर हो गई, 19 दिया है उसके बाद वाली भी वैल्यू 19 दिया है,
तो ना वो प्लस है ना वो माइनस है उससे ज़्यादा है, तो वो इक्वल है। तो जब इक्वल टू केस आप लगाते हैं, इधर वाली सीरीज की एक्स सीरीज अगर है और ये वाई सीरीज है, तो अगर एक्स सीरीज में इक्वल टू आ गया और वाई सीरीज में भी इक्वल टू आ गया, तो आप इसको लिखेंगे प्लस। अब एक्स सीरीज में इक्वल टू आ गया, वाई सीरीज में प्लस आ गया, आप लिखेंगे माइनस। और एक्स सीरीज में माइनस आ गया, इसमें इक्वल टू आ गया, तो आप लिखेंगे माइनस। मींस कि कभी भी जब ये दोनों साइन बराबर होंगे, इक्वल टू प्लस होगा, अगर इक्वल टू के साथ माइनस लगेगा या इक्वल टू के साथ प्लस लगेगा, तो ऑटोमेटिकली दैट वैल्यू विल बी माइनस। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से लास्ट में आपका प्लस निकलेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट दैट वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। इफ यू आर गेटिंग पॉजिटिव ओवर हियर, यू आर गोइंग टू एड दिस वैल्यू फॉर सी, एंड इफ इट इज नेगेटिव इट इज ऑफ नो यूज। अगर वो पॉजिटिव है तब आप उसको सी में यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप नहीं निकाल सकते। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, बट द एसेंस ऑफ दिस मेथड लाइज ओवर हियर। प्लस प्लस व्हेन एवर देयर इज अ सेम साइन, साइन सेम है, तो यू हैव टू पुट पॉजिटिव साइन ओवर देयर। इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अगर कोई भी अपोजिट साइन आता है, इन दोनों रूल्स में कोई भी अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इक्वल टू माइनस माइनस, माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इक्वल टू माइनस, इक्वल टू प्लस माइनस, कोई भी ऐसे डायरेक्शन आता है, अपोजिट साइन को हमेशा माइनस लिख दीजिए आगे ले जा करके, और सेम साइन आ रहा है तो प्लस लिख दीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो ये मेथड बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए। पहले में आपने देखा कि जब हमने कार्ल पियर्सन निकाला था, व्हेन वी हैव ट्राइड टू टेक आउट द कार्ल पियर्सन, वी हैव यूज्ड अ फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू समिशन एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मींस फॉर दिस मेथड, फॉर कार्ल पियर्सन मेथड में वी हैव टू टेक आउट द मीन, we have to take out the mean, and on the basis of mean you have taken out the standard deviation. आपको mean निकालना था, mean निकालने के बाद आपको standard deviation दोनों series का निकालना था, तब आप value put up करेंगे, और जब आप value put up करेंगे then you are going to get the Karl-Pearson coefficient of correlation. Same way in the Spearman-Rank correlation, we have used 1-6 summation d square n n square minus 1. मतलब कि whenever we are going to take out the rank correlation, again you have to solve. Means आपको 1-6 summation square, d square means difference of rank. जो rank जो नो x और y series की difference थी, उसको हमने निकाला था, उसको हमने square up किया था, और then we have find the value. यहाँ पर n जो होता था total number of terms से, ये आपको याद होगा, जिनको नहीं देखा वो पहला वाला वीडियो देख लें, क्लियर हो जाएगा उनको, क्लियर। सो दीज टू मेथड्स आर हाईली मैथमेटिकल। उसको ओवरकम करने के लिए कॉन्करेंट डेविएशन बनाया गया, जो कि बहुत सिंपल है, और इसीलिए सिंपल है क्योंकि इसमें केवल इतना कॉन्सेप्ट है। यू डोंट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यू जस्ट हैव टू नो कि एक नंबर से अगला वाला नंबर ज्यादा है या एक नंबर से अगला वाला नंबर कम है, और उसी के बेसिस में आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और आप उसका आंसर पा लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम फाइंड करते हैं कि कॉन्करेंट डेविएशन कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आप सोच सकते हैं कि यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है, एक स्पेसिफिक 11 लोगों का,
कि उनकी इनकम क्या है और उनका एक्सपेंडिचर क्या है, कितना रुपए वो अर्न करते हैं और कितना रुपए वो एक्सपेंड करते हैं। इन दोनों पे हमें कोरिलेशन निकालते हैं कि जो ये 11 लोग हैं इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर किस तरह से रिलेटेड है, क्या कॉज और इम्पैक्ट है, मतलब एक चीज़ पे दूसरे का इम्पैक्ट क्या है। अगर हमको ये फाइंड करना होगा तो ऑब्वियस है हम कोरिलेशन में जाएंगे। अगर हमको मीन मीडियन मोड निकालना आता है, हमको सेंट्रल डेविएशन निकालना आता है, तो हम स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड के कितनी मैग्नीट्यूड में इनकम और एक्सपेंडिचर में है इसको निकाल करके हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन लगा देते हैं। अगर हमको मीन मीडियन मोड में कमांड नहीं है, हमें सेंट्रल डेविएशन निकालना नहीं आता है, हमको केवल रैंक मालूम है कि कौन सी ज़्यादा रैंक है कौन सी कम रैंक है और उसका डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद हम उससे वैल्यू फुट अप करते हैं, तो हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालते हैं जो कि एक क्वालिफाइड डेटा के लिए होती है। लेकिन अगर हमें दोनों चीज़ें नहीं आती तो हमारे लिए बहुत सिंपल मेथड बनाया गया है कॉन्करेंट डेविएशन। इफ़ वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट मीन, वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वी हैव गॉट अ वेरी सिंपल मेथड दैट इज कॉन्करेंट डेविएशन। हियर वी आर गोइंग टू सी दैट फॉर 11 पीपल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बीइंग गिवन ओवर हियर that whether it is positively correlated or it is negatively correlated. So see over here, serial number is being given. Serial number means how many people are here? 11. Income. First one has got 65, second 40, third 35, fourth 75, fifth 63, sixth 80, 7, 35, 8, 20, 9, 80, 10, 60, 11, 60. So this is what the income is. 11 लोग की income क्या है? ये 11 लोग की income दी गई. Expenditure, कितना वो खर्च करते हैं? He is earning 65 and spending 60 rupees. Here, 55 rupees. Here, 50 rupees. Here, 56 rupees. Here, 30 rupees. Here 70 rupees, here 40 rupees, here 35 rupees, here 80 rupees, here 75 rupees, here 80 rupees. मतलब कि अगर ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं तो इतना ये लोग खर्च कर रहे हैं. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप. तो इसका सिंपल मेथड है, जैसे कि अभी आपको ये फॉर्मूला है आपने देखा था और हमने बताया भी था. तो फर्स्ट वी गो विद द एक्स सीरीज, टेक आउट This is X series. हमें इसका पहले का टर्म मालूम है? नहीं मालूम है. Since we don't know कि इसकी पहली वाली वैल्यू क्या है, तो we put dot 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 over here. कहीं कुछ बुक्स में ऐसे डैश दे देते हैं, क्योंकि हमें इसके पहले का टर्म नहीं मालूम है कि इसके पहले वाली वैल्यू से ये प्लस है कि माइनस है. तो put a dash over there और dot 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 over there. Then इसके बाद वाला टर्म देखिए, 65, 40. 40, whether 40 is less than 65 or 40 is more than 65. 40 जो है वो 65 से कम है कि ज़्यादा है? तो 40 65 से कम है, means minus sign over here. So you put minus sign over here, minus. Now you go over here, 40, 35. 35 40 से ज़्यादा है कि कम है? 35 40 से कम है, minus लगा दीजिए. 75 is more than 35 or less than 35? 75 is more than 35. आप प्लस लगा दीजिए, मतलब कि वो वैल्यू 35 से ज्यादा है, मतलब वो एक्स्ट्रा है, तो आप प्लस लगा दीजिए. जब उससे कम हो तो आप उसको माइनस कर दीजिए. नाउ 63 ज्यादा है कि कम है? 63 इज लेस देन 75, पुट माइनस ओवर. 80 is less than or more than 63. 80 is more than 63, you put plus over here. 35 is less or more? 35 is less. जब भी ये वैल्यू, हमें इस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से वैल्यू से कंपेयर करनी है, नीचे वाली वैल्यू
जब ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम प्लस साइन लगा देंगे, और नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर वाली वैल्यू से कम होगी तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, राइट। नाउ 35, 20 इज लेस देन 35 माइनस 80 इज मोर देन 20 प्लस 60 इज लेस देन 80 माइनस 60 यहां पर क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 60 इट विल बी अ इक्वल टू साइन, यहां पे माइनस दें इट विल बी अ इक्वल टू साइन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, क्लियर। नाउ कम टू दिस एक्सपेंडिचर सेक्शन, एक्सपेंडिचर सेक्शन में आएंगे तो पहली वैल्यू के उसके ऊपर वाली वैल्यू हमको नहीं मालूम है, अगेन वी विल पुट अ डॉट 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 ओवर ईयर और डैश ओवर ईयर, क्या हमें इसके ऊपर की वैल्यू नहीं मालूम है। नाउ यू गेट 55 ओवर ईयर, 55 लेस है कि ज्यादा है, तो 55 इज लेस देन 60 यू पुट माइनस ओवर ईयर, 50 इज लेस देन 55 पुट माइनस ओवर ईयर, 56 इज मोर देन 50 प्लस ओवर ईयर, 30 इज लेस देन 56 माइनस ओवर ईयर, 70 इज मोर देन 30 प्लस ओवर ईयर, यहां पे 70 देखिए 30 से ज्यादा है, मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि जब वैल्यू ज्यादा होगी अगली वाली आप प्लस साइन लगाइए, और जब वैल्यू कम होगी, बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये पूरा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नाउ 40 इज लेस देन 70 माइनस 35 इज लेस देन 40 माइनस 80 इज मोर देन 35 प्लस साइन 75 इज लेस देन 80 माइनस साइन 80 इज मोर देन 75 इट विल बी अ प्लस साइन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको ये डेविएशंस निकालने हैं, ये साइंस निकालने हैं। पिछली साइड में मैंने आपको बताया कि सेम साइन जब होते हैं तो वी पुट अ पॉजिटिव साइन, और जब डिफरेंट साइंस होते हैं वी पुट अ नेगेटिव साइन। सो अब इस वैल्यू को लेना है, यहाँ के साइन को और यहाँ के साइन को, ये एक्स का साइन है, ये वाई का साइन है, ये वाई की वैल्यू है। अब पहले वैल्यू में कुछ नहीं दिया हुआ है, नथिंग इज गिवन इन द फर्स्ट, सो वी कीप डैश ओवर हियर ऑल्सो, क्या हमको मालूम ही नहीं है इसके पहले क्या है, तो हमको वहां डैश कर देते हैं। नाउ हियर इट इज माइनस, हियर इट इज माइनस, सेम साइन, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, नाउ हियर इट इज माइनस, हियर इट इज माइनस। दूसरे नंबर पे देखिए, पहले पे आपने देखा ये, दूसरे पे आपने देखा माइनस माइनस प्लस, सेम साइन, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन प्लस कर देगा, देन प्लस 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 हो जाएगा, क्लियर। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे देखिए इक्वल टू का साइन दिया है, इक्वल टू और प्लस डिफरेंट साइन हो गया है, यहां पे साइन जो है वो अलग अलग हो गए हैं, देयरफॉर इट विल बी माइनस, क्लियर। सो एज यू नो द वैल्यू ऑफ सी इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, मैंने बताया जितने प्लस साइन है उसी को हम सी में ऐड करते हैं, द वैल्यू ऑफ सी विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन द सीरीज। नाउ कैलकुलेट ओवर हियर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स द प्लस साइन इन दिस सीरीज इज 9, सो वी पुट 9 ओवर हियर, 9 में हमने यहां रख दिया क्योंकि 9 पॉजिटिव साइंस हैं वहां पर दिए हुए, क्लियर। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कि इसमें फिर से समझ लीजिए कि यहां दो वैल्यू रहेगी एक्स और वाई की, वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज,
वी हैव टू सी, क्योंकि पहली वैल्यू के पहले का हमको नहीं मालूम होता है, वी पुट डैश ओवर हियर, देन सेकंड वैल्यू से हम फाइंड करते हैं, और सेकंड वैल्यू से जब हम फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहली वाली वैल्यू से वो जो दूसरी वाली वैल्यू है वो ज़्यादा है या कम है। जब वो वैल्यू ज़्यादा होती है हम उसको पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, जब वो वैल्यू कम होती है तो हम उसका नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इस तरह हम दोनों सीरीज को निकालते हैं, x के लिए x का साइन निकालते हैं, y के लिए y का साइन निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर सेम साइन होते हैं x y सीरीज में तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम यहाँ पे माइनस निकाल देते हैं। और उसके बाद हम c की वैल्यू निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस जो होते हैं, जितने प्लस साइंस होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं, और हमको यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। Now you all know the formula for finding the concurrent coefficient deviation. आपको मालूम है कि concurrent deviation का find करने का formula क्या है? That is plus minus under root plus minus 2c minus n upon n. तो अब ये क्या है? यहाँ पे देखिए 9 value दी गई, ये formula दिया गया है, तो आप इसको value को formula में put करेंगे, plus minus लिख लीजिए, उसके बाद under root लगाइए, then again you write plus minus over here. पुट अ ब्रैकेट ओवर दियर, 2c की जगह यहाँ 9 लिख लीजिए, इनटू 9, और यहाँ पर माइनस n। हाँ, इस चीज को देखना है, यहाँ पे क्या होता है, इस पहले वैल्यू के पहले कुछ नहीं होता है, तो जब इसके पहले की वैल्यू नहीं है तो ये वैल्यू इसकी सबॉर्डिनेट वैल्यू है, मतलब इसको केवल सपोर्ट कर रही है, इसको हमने लिया नहीं है, केवल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहली वैल्यू आ जाती है, तो इसका रोल बहुत कम होता है। यहाँ पे ये देखना है कि अगर यहाँ पर 11 वैल्यू दी गई है और इसके पहले की वैल्यू नहीं है तो यू पुट 10 ओवर हियर, क्योंकि पहली वाली वैल्यू के पहले की वैल्यू हमको नहीं मालूम होती है। क्लियर? अगर यहाँ पे 12 वैल्यू दी गई होगी तो आप यहाँ पर 11 लिखेंगे, अगर पहली बार उस एक सीरीज में 8 वैल्यू दी गई है तो आप 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो पहली वैल्यू होती है उसके पहले वाली वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगाते हैं, और सिंस वी आर नॉट पुटिंग साइन ओवर हियर तो हम इसको यहाँ पे ऐड भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये डैश हो जाता है। क्लियर? तो नाउ दिस वे यू आर गोइंग टू गेट इट, एंड आफ्टर दैट 18 माइनस 10 अपॉन 10 अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा यहां पे, एटीन से 10 कम करेंगे यू विल गेट 8 ओवर हियर अपॉन 10 प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस ही में है, यू टेक आउट द वैल्यू ओवर हियर एंड यू विल गेट अ वैल्यू 0.8, मतलब कि 0.89 इज द वैल्यू, दैट इज प्लस 0.89, मतलब कि ये जो है ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, क्योंकि ये प्लस 89 है, मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है दो सीरीज में इट इज समवॉट लाइक दिस, दैट इट इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, ये एक बहुत सिंपल मेथड है जिससे कि आप बिना मीन बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के आप सिंपली कैसे आप किसी दो सीरीज पे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा इनकम और एक्सपेंडिचर पे निकाला गया, और ये मालूम चला कि इनकम इनकम के ऊपर ही हाईली कोरिलेटेड है एक्सपेंडिचर, जो जितना कमा रहा है उतना ही वो खर्च कर सकता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा खर्चा कर देगा, मींस मैग्नीट्यूड इज हियर, द मोर यू आर अर्निंग द मोर यू कैन स्पेंड। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन कोरिलेट एक सीरीज का दूसरे पे क्या प्रभाव है, द इंपैक्ट द कॉजल रिलेशनशिप ऑफ सीरीज एक्स ऑन सीरीज वाई। क्लियर? सो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों मेथड जो है ये कोर्स में आता है, इसमें सम्स भी आते हैं। सो वेन एवर यू हैव टू सॉल्व, तीनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू गो टू रीड थॉरली, आप जाइए और उसको देखिए, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल, यू ऑल कैन सॉल्व इट। नाउ देयर आर सम रेफरेंस बुक विच यू कैन
read for the future reference, Principles of Statistics by Professor Ravindu Roy, Business Statistics by Dr. Gaurav Sankal. So both books you can study. Agar aapko isko aage kuch padhna hai further, I hope you have understood the method of concurrent deviation. And this is very important for the students of MCOM, MBA, BCOM, BBA. Thank you.